आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी के कोफ्ते। और ये मैं आपको सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। ये देखिए लौकी मैंने लिए है, हाफ लौकी है ये। इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। इसके बाद इसको बाइंडिंग के लिए मैं बेसन लूँगी। और यहाँ पे मैंने लाल मिर्च ली है, धनिया लिया, जीरा, खाने का सोडा मैंने चुटकी भर लिया है, अप्रोक्स आप हाफ टेबल स्पून ले लीजिए। ये गरम मसाला है, ये हल्दी है, ये सारी चीज़ें एक एक चम्मच है। ये दो टमाटर हैं, ये दो प्याज है, ये धनिया है सजाने के लिए धनिया, ये लहसुन मैंने 5 कली लिया है, ये सरसों का सॉरी मीठा तेल है, और ये मेरा है नमक, और ये पानी है। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँगी किस तरह से आज हम लौकी के कोफ्ते बनाएंगे। तो इसके लिए हम जो एक बाउल लेंगे, अब देखिए हम लोग लौकी के कोफ्ते बनाते हैं। इसके लिए हमने ये लौकी ली है जो अपन ने पहले से ज़्यादा पहले किसके मत रखेगा, नहीं तो ये पानी छोड़ देगी। ये मैंने हाफ लौकी ली है। अब इसमें मैं अंदाज से नमक मिलाऊंगी। नमक थोड़ा कम ही रखेंगे क्योंकि ग्रेवी में नमक ऑलरेडी होगा, तो यहाँ कम नमक लिया है। यहाँ पर मैंने ली है जो अपने मसाले, तो थोड़ी सी मिर्ची डालूँगी, थोड़ा सा धनिया डाला मैंने यहाँ पर, जीरा भी डाल दिया इसी में मैंने इसी समय, और ये गरम मसाला डाला, ये हल्दी डाली, और थोड़ा सा मिर्ची आप अंदाज के हिसाब से कर सकते हैं। और लास्ट में जो मैं डाल रही हूँ ये खाने का सोडा है, ये इसमें हमने डाला है, ये डाल दिया। अब ये जो फ्रेंड्स मेरी बेसन है इसको मैं इसमें डाल दूँगी। ये बेसन मैंने आप समझिए 2 टेबल स्पून बेसन लिया है, और इसको मेरे को बाइंडिंग करना है। अब अच्छे से मैं इसको बाइंडिंग करूँगी और इसके छोटे छोटे अपने कोफ्ते बनाऊंगी। अब देखिए फ्रेंड्स ये मेरे मैंने ये बाइंडिंग कर ली है, और ये जो लौकी आप किसेंगे इसको 15 मिनट पहले ही किसके या 5-10 मिनट पहले ही किसके रखिएगा, नहीं तो ये छोड़ देगी अपना ये पानी छोड़ देती है लौकी ना, इसलिए क्योंकि इसमें वाटर प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है इसलिए। अब ये मैंने इसको बाइंडिंग कर दिया है, और इसमें अब मैं थोड़ा सा अपना तेल डालूँगी, 1 चम्मच के करीब आप इसमें तेल डाल दीजिए थोड़ा सा, ताकि ये अच्छे से हो जाए। और थोड़ी सी अपन इसमें ग्रीन लीव्स डाल देंगे, कोरिएंडर लीव्स डाल देंगे टेस्ट के लिए, और इसको हम बाइंड कर देंगे। अब हम इसको गरम गरम तेल में तलेंगे। अब फ्रेंड्स देखिए हमने गैस को ऑन किया, और अब हम इसमें अपना तेल डालेंगे। ये मैंने तेल डाल दिया है, अब इसको हम गरम करने के लिए रखेंगे। अब हमने इसमें तेल डाला है, और तेल इतना डालेगा कि कोफ्ते अच्छी तरह से इसमें डूब जाए। अब मैं धीरे धीरे छोटे छोटे कोफ्ते इसमें तोड़ूंगी। ये गैस को तेज कर लिया हमने, और इसमें अब हम ये कोफ्ते डाल रहे हैं। इस तरह से छोटे छोटे कोफ्ते हम तोड़ तोड़ के डालेंगे इसमें। ये देखिए इस तरह से हम डालते जाएंगे, और इस तरह से हम सारे कोफ्ते तल लेंगे अपने। जब गैस बिल्कुल गर्म हो जाए तेल, तब हम गैस को मीडियम कर देंगे। अब ये हमारे कोफ्ते तले जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी सब्जी लगती है। ये देखिए धीमे धीमे हम इसको आहिस्ता से पलटेंगे, एकदम से पलटेंगे तो वो टूटने का डर रहेगा। ये धीरे धीरे साइड से निकाल के इस तरह से हम इसको पलटते जाएंगे। ये देखिए, और इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे हम। ये देखिए हमारे इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। इतनी देर में हम क्या करते हैं अपना, जब तक हमारे ये कोफ्ते तले जा रहे हैं, इसमें हम ये करेंगे कि टमाटर और इसकी हम मिक्सी में इसको पीस लेंगे, टमाटर लहसुन और प्याज को, और एक पतली सी ग्रेवी बना लेंगे इसमें। ये मैंने लहसुन डाल दिया, और आप चाहें तो ग्रीन चिलीज भी इसमें डाल सकते हैं। तो जब तक हमारे ये हो रहे हैं हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के, थोड़ा सा पानी हम इसमें डालेंगे और हम इसको मिक्सी में चला लेते हैं।
अब फ्रेंड्स देखिए, ये हमारे कोफ्ते जो हैं ये ऐसे गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं, तभी हम इनको आहिस्ता से पलट देंगे। खाने का सोडा इसलिए डाला जाता है, मैं आपको बताऊं, ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाए। बहुत कम क्वांटिटी में डालिए, 1/4 टेबल स्पून के करीब आप डालिए। अकॉर्डिंग टू योर जो लौकी है किसी हुई उसके हिसाब से आप लीजिए प्रोपोर्शन, बहुत कम रहता है इसमें। अब देखिए ये ऐसे गोल्डन ब्राउन हो जाए तब आप इसको तल के निकाल लीजिए, और ऑलमोस्ट ये 5 से 8 मिनट लेते हैं ब्राउन होने में, गोल्डन ब्राउन हो जाए तब आप इसको निकाल दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने ये सारे कोफ्ते अपने तल लिए हैं, अब मैं यहाँ पे ग्रेवी बनाऊंगी। इसके लिए मैंने एक पॉट रखा है और इसको हम चला लेते हैं तेल। अब हम इस पर डालेंगे तेल, देखिए अब हमने ये तेल डाल दिया है। ये मैंने इतना 2 टेबल स्पून मैंने तेल लिया है। अब इसमें ये मैं खड़े मसाले जो है, ये मेरा तेज पत्ता है, ये इलायची है और ये जीरा है, ये मैं डालूंगी। पहले तेज पत्ता डालूंगी इसमें, और फिर ये जीरा डाला, और फिर ये इलायची डाली, और इसी समय गैस को धीमा करके हम इसमें हींग भी डाल देंगे अपनी। ये हींग भी हमारी इसमें हमने डाल दी। अब हमने इसमें तेल डाला है, और ये सब मसाले डालने के बाद हम इसमें जो पिसा हुआ प्याज का हमारा बैटर है वो डाल देंगे। ये हमने इसमें डाल दिया, अब हम इसको भूनेंगे, और इसी समय मैं थोड़ा सा नमक और डाल दूंगी अपने मसालों में, ताकि प्याज जो है, आधा अपन ने ग्रेवी में डाला है ये कोफ्ते बनाए, और आधा हम ग्रेवी में डाल रहे हैं नमक। आप समझिए कि 1 चम्मच मैंने, 1.5 चम्मच के करीब मैंने ये डाला है, और इसको हम भूनेंगे। अब देखिए ये मेरा प्याज ने, ये प्याज ने पूरा अच्छे से भुन गई है और इसने तेल छोड़ दिया। अब हम इसमें अपने मसाले डालेंगे, तो ये मैं लाल मिर्ची डाली जो हमने थोड़े से बचा के रखे थे, वही मसाले हम फिर से हल्दी मिर्च धनिया और गरम मसाला डालेंगे इसमें। हल्दी मिर्च धनिया गरम मसाला डाल दिया, अब हम इसको भूनेंगे। अब देखिए ये मसाला पूरा हमारा भुन चुका है और मसालों ने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें ग्रेवी डालेंगे, ग्रेवी के लिए हम पानी डालेंगे जितनी आपको पतली करनी है, और ये इतना पानी डालेंगे कि हमारे ये जो कोफ्ते जो हमने बनाए हैं वो सोख लें, और उसके बाद में भी हमारा तरी रहे इसमें। तो ये हमने पानी डाल दिया, अब हम इसको एक खोल देंगे। अब देखिए ये हमारी पूरी ग्रेवी गाढ़ी हो गई है, अभी इसमें अपने बचे हुए जो हमने बनाए हुए कोफ्ते हैं वो आराम से डाल देंगे इसको। ये हमने डाल दी कोफ्तों को, ये हमारे सारे कोफ्ते अंदर चले गए। अब हम इसको, क्योंकि ये कोफ्ते पानी पियेंगे, ये तरी पियेंगे, तो इसे हम थोड़ा सा पानी इसमें और बढ़ा देंगे बस, और हम इसको धीमी गैस पे, धीमी टू सिम पे 5 मिनट के लिए एक खोल देंगे इसको हम। अब फ्रेंड्स देखिए इसमें खोल गया है, ये बॉईल हो गई है, अब हम इसको बंद कर देंगे, अच्छे से खोला लेंगे, ऐसी थोड़ी थिक हो गई है ये, और सूखने के बाद में जब ठंडी होगी तो और भी ज़्यादा इसमें थिकनेस आ जाएगी। अब हम इसको बंद कर देंगे। अब देखिए हमने ये मलाई क्रीम ली है, अब हम इसमें क्रीम डाल देंगे, इसमें हम क्रीम डाल देंगे, इस तरह से हम इसमें क्रीम अपनी डाल के, और ऊपर से हम इसको कोरिएंडर लीफ से इसमें मिला देंगे। ये हमने कोरिएंडर लीफ डाल दी, अब ये देखिए हमारी कोफ्ते वाली लौकी के कोफ्ते तैयार है, और ये हमारी ग्रेवी। आशा करती हूँ आप लोग को पसंद आएगी, आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। थैंक्स।